हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जेट प्लांट के ऊपर है, इसके कंप्लीट केयर के बारे में शेयर करूंगी, कैसे आपके जेट प्लांट इस तरह हेल्दी और स्वस्थ रहे, बचे रहे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इसको कम से कम 3-4 घंटे का धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। सिक्लेन प्लांट होते हैं, इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है। बेल्ड्रीन मिट्टी होनी चाहिए, एक हिस्सा गार्डन सॉयल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा गोबर खाद, चाहे कोई भी खाद मिलाकर इसको रिपोर्ट करिए। अब छोटा सा कटिंग जब लगाना हो तो उसको छोटा पॉट में लगाइए, जब बड़ा हो तब आप बड़े पॉट में लगाइए और इस तरह टोपियारी बोनसाई बनाइए। सबसे पहले आपको इस प्लांट को टोपियारी बनाना हो तो उसको 2 साल कम से कम इस प्लांट को तैयार करना पड़ता है। मोटा होना चाहिए इसका ब्रांच, तब आप कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं। और इस तरह जब टोपियारी बनाए तो इसको हर महीने, इसको 15 दिन या महीने में इसको इस तरह पूर्णिंग करना चाहिए। इस तरह कटिंग करते रहने से इसमें ब्रांच ढेरों सारे आएंगे और जैसा शेप आप लाना चाहेंगे प्लांट वैसा शेप में बन जाते हैं। जैसे छोटा आप टोपियारी बनाए, बोनसाई बनाए और इस तरह 15 महीना दिन में आप कटिंग करते रहिए और बेल्ड्रीन मिट्टी बनाइए और इसको धूप में ज़रूर रखिए। पानी जब भी दे इसको मिट्टी चेक करके दे, कोई भी पॉट में लगाइए, उसमें ड्रेनिंग होल होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए, मैं 2 ही प्लांट लाई थी, 2 प्लांट से मेरे पास ढेरों सारे प्लांट हो गए और कटिंग जितने सारे निकलते रहते हैं, पूर्णिंग करती रहती हूँ, सबको मैं लगा देती हूँ। छोटा से छोटा कटिंग आप लगाएंगे तो चल जाते हैं आसानी से, बस पानी का ध्यान रखना पड़ता है। कटिंग लगाए तो छोटे छोटे पॉट में लगाइए। देखिए, ये भी एक टोपियारी बन रहे हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं टोपियारी। इसको इस तरह मैं पूर्णिंग करती रहती हूँ और बहुत सारे मेरे टोपियारे ऊपर पड़े हुए हैं टेरेस पर, उसको भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और इसका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी, 2 प्लांट से मेरे कितने प्लांट बन गए। मदर प्लांट तब बूढ़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, मोर बन गए हैं, उसी से सारे प्लांट में बनाई हूँ और ढेरों सारे कटिंग तैयार कर ली हूँ। देखिए, छोटा छोटा ये मोर भी बने हैं, बेबी प्लांट सब। देखिए, बड़े बड़े जो मोर हैं उसको भी दिखाऊंगी, वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। सबको मैं 2 दिन पहले देखिए रस्सी से बांधी हूँ और इसको शेप में लाए। इसको शेप में लाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके ब्रांच इधर उधर टेढ़े मेरे हो जाएंगे। और जो पूर्णिंग किया हुआ जो ब्रांच होते हैं, देखिए सब तसला में मैं लगाती जाती हूँ। देखिए, सारे पूर्णिंग किया हुआ प्लांट सब तैयार हो गया। देखिए, इधर छोटे छोटे टोपियारे बने हुए हैं, इस तरह कप में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, कहीं भी इसका कटिंग ऐसे फेंक देती हूँ तो लग जाते हैं। लेकिन इसको पानी ज़्यादा देंगे तो ये प्लांट गल जाएंगे, ज़्यादा पानी से प्लांट नीचे से जड़ गलने लगती है। देखिए, यहाँ छोटा सा एक बोनसाई बन रहे हैं। ये सबको मैं 15 दिन पर महीना दिन पर इस तरह पूर्णिंग करती रहती हूँ और इसका शेप में लाती रहती हूँ, नहीं तो इधर उधर ये ब्रांच बढ़ते जाता है और अच्छा नहीं लगता है। देखिए, एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये गोल शेप में बॉल के जैसे बन रहा है, इसके अंदर बॉल है जो बच्चे लोग खेलते हैं, वो वाला बॉल लगाकर ये गोल शेप में मैं बोनसाई बना रही हूँ। इस पर वीडियो भी बने हुए हैं, आप उस वीडियो ज़रूर देखेंगे। इस पर मेरा फुल वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक उसका। अरे देखिए, इसका नीचे का तना देखिए इसका कितना बड़ा हो गया, ऊपर मैं गद्दा के रूप में बना रही हूँ। देखिए, ऊपर बोतल लगाई हूँ और उसको रस्सी से इस तरह बांध दी हूँ, इसको पूर्णिंग कर रही हूँ ताकि वहीं से ढेरों सारे ब्रांच आए। हम जितना पूर्णिंग करेंगे उतना ही ब्रांच निकलेंगे। और देखिए, 2 दिन पहले मैं ये मिनीचर गार्डन बनाई आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है। और देखिए, छोटे छोटे मग में ये प्लांट लगे हुए हैं, डेकोरेशन के तौर पर आप इस तरह लगाकर इंडोर रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्ते सब पीले पड़ के गिरने लगते हैं इंडोर रखेंगे तो। नर्सरी वाले तो बोलते हैं इंडोर प्लांट है, इसको ले जाइए और हफ्ता में 1 दिन निकालिए, नहीं वैसे करेंगे तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और ये प्लांट आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाएंगे, उसको ये कटिंग सब ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए, मेरे 2 प्लांट्स इतने सारे ये प्लांट बने हुए हैं, इतने सारे टोपियारे बन गए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन ये सब बाहर मेरा फुल सनलाइट में रखा हुआ है, अभी बारिश रोज हो रही है हमारे यहाँ तो मैं साइड में उठा के रख दी हूँ, क्योंकि बारिश का लगातार पानी पड़ने से बड़े बड़े जो टोपियारी बोनसाई सब देखने सब खराब हो जाएंगे मेरे, मैं साइड में उठा के रख देती हूँ। इस तरह गुराई करके आप इसमें फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऐसे इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाय पत्ती और एक कॉफ़ी का पानी घोल कर दे देती हूँ। देखिए, अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, जिससे मिट्टी सूखा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। इस तरह
चायपत्ती सुखाकर अच्छी तरह धोकर सुखाकर मैं रखती हूँ, उसी को मैं 15 दिन में दे देती हूँ। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न इसमें कीड़े वगैरह कभी लगता है। जेट प्लांट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, बस पानी से ही ये प्लांट ख़राब होता है, ज़्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग से। ऐसे पानी डालिए ताकि ड्रेनिंग होल से गिर जाए, इसको जितना पानी लेना है उतना ले लेगा और बाकी ड्रेनिंग होल से गिर जाना चाहिए। ऐसा मिट्टी बनाइए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद। देखिए इस तरह आपको खाद देना हो, चायपत्ती दीजिए, कॉफ़ी दीजिए पानी में घोलकर, प्लांट के रिकॉर्डिंग आप पानी में घोलकर इस तरह दे दिया करिए 15 दिन पर। ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए, अगर बारिश में आपका प्लांट रखा हुआ हो तो उसको साइड में उठा के रख दिया करिए। लगातार बारिश से जेट प्लांट भी बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड का शिकायत आ रहे हैं कि मेरे जेट प्लांट ख़राब हो रहे हैं, उसको आप साइड में उठा के रख दिया करिए। देखिए दूर से मैं दिखा रही हूँ, ये भी एक बड़ा सा मोड़ बन गए हैं। ये सब का मदर प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ऊपर रेलिंग पर रखा हुआ है, उसको हर महीने 2 महीने पर मैं उसको कटिंग करती रहती हूँ शेप में लाने के लिए, नहीं तो ये सब इधर उधर ब्रांच बढ़ते रहता है तो शेप ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह ऊपर से जितने सारे एक्स्ट्रा ब्रांच निकलता है उसको इस तरह मैं प्रूनिंग करती रहती हूँ। देखिए प्रूनिंग करने से डरना नहीं है, जितने हम करेंगे उतना ही ब्रांच निकलेंगे और शेप भी अच्छा लगेगा, नहीं तो आपका शेप बिगड़ जाएगा। शेप में लाने के लिए प्रूनिंग करना जेट प्लांट का बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये पिरामिड बनाई हुई, ये बड़ा सा हो गया है, छोटा भी बना हुआ है मेरे टेरेस पर, ये बड़ा सा है। देखिए 2 साल से प्लांट मेरे तैयार हो रहे थे, 2 साल में मेरे इतने सारे टोपियारी बोनसाई बन चुके हैं, 2 ही साल लगे हुए हैं, 2 साल में इतने बन गए हैं। आप लोग भी इस तरह अपने जेट प्लांट का केयर करेंगे तब आपके जेट प्लांट बचे रहेंगे और इस तरह खूबसूरत टोपियारी बोनसाई बनाइए, अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। देखिए ये भी बहुत बड़ा मोर बना हुआ है, बड़ा सा तार लगाई हूँ ऊपर तक, अभी इसका ब्रांच बढ़ जाएंगे तो इसका शेप ऊपर वाला बनेंगे, अभी ऊपर तक नहीं गया है, नीचे का ब्रांच बहुत सारा बढ़ गया है, देखिए ऊपर तक नहीं जा रहा है। ये भी 2 साल से प्लांट मैं तैयार कर रही थी, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए थे, जब बड़ा हो गया तो देखिए मैं बड़े बड़े पॉट में लगा दी हूँ, उसके बाद ये सारे टोपियारी बनाई हूँ। पहले छोटा पॉट में लगाइए, उसके बाद बड़ा पॉट में रिपोर्ट करके तब आप टोपियारी बोनसाई बना सकते हैं। छोटा प्लांट को बड़े पॉट में लगाएंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए पहले छोटे पॉट में तैयार कीजिए, क्योंकि इसका रूट्स बारीक होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नीचे तक भी नहीं जाता है, इसलिए बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। जब बड़े हो तब उसको बड़े पॉट में इस तरह लगाकर बोनसाई टोपियारी कोई भी शेप में दे सकते हैं, बहुत लचीला ब्रांच होता है इसका, कैसा भी शेप में आप बना सकते हैं इसको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए इसका मदर प्लांट ऊपर रखा हुआ है, देखिए ये बहुत बड़ा मोर हो गया है, नीचे तक इसका पूंछ लटकाया है। हर महीने 1 महीने 2 महीने पर इसको ब्रांच सबको मैं एक्स्ट्रा ब्रांच को काटती रहती हूँ। देखिए कितना बड़ा हो गया है, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिए फ्रेंड, सब्सक्राइब भी करिएंगे। इस तरह अपने जेट प्लांट का भी ख्याल रखिए, यहाँ पर एक बोगनवेला का भी प्लांट रखा हुआ है, फुल सनलाइट में सारे प्लांट मेरे रखा हुआ है, ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने जेट प्लांट का इस तरह केयर करेंगे तो आपके प्लांट बचे रहेंगे। थैंक यू।